और चलिए अब एक नजर द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ मोदी पर। पीएम नरेंद्र मोदी की कल्पना वहां से शुरू होती है जहां से हमारी कल्पना खत्म हो जाती है, ये कहना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव सच्चिदानंद जोशी का। उन्होंने नरेंद्र मोदी के संस्मरण साझा करते हुए कहा कि पहली मुलाकात में ही जब प्रधानमंत्री ने उन्हें नाम से पुकारा तो वे हैरान रह गए। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको भी सुनाते हैं। एजुकेशन फॉर रिसर्जेंस और वो वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस, तो तब ऐसा लगा कि तब प्रधानमंत्री जी को बुलाया जाए और प्रधानमंत्री जी ने उस कार्यक्रम में आना स्वीकार किया। और चौथा मैं, जो कि भारतीय शिक्षण मंडल का अध्यक्ष था, आयोजक संस्था का, तो प्रधानमंत्री जी को जब हमने अगवानी की सब लोगों ने, तो जैसे ही उन्होंने उतरते से ही मैंने उन्हें नमस्ते किया और उन्होंने कहा कैसे हैं सच्चिदानंद जी, तो मैं एकदम चकित रह गया क्योंकि फिजिकली भौतिक रूप से तो पहली मुलाकात थी लेकिन ये व्यक्ति आपका नाम जानता है। मुझे मालूम था कि वो वेल रेड हैं, हर एक चीज़ के बारे में जानकारी रखते हैं, उनकी एक पूरी की पूरी तैयारी वो बहुत अच्छी तरह से करते हैं जब भी यहाँ जाते हैं, लेकिन उस जैसे साधारण व्यक्ति के बारे में जानना कि तुरंत कहा कैसे हैं सच्चिदानंद जी, तो आदमी एकदम से बिछ जाता है। रास्ते में उन्होंने चलते चलते पूछा कि राम बहादुर राय जी की तबीयत कैसी है और इनको पेट की तकलीफ रहती है, ध्यान रखा करिए। वो अपने आप के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं रहते, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए और ये याद रहना कि इनको पेट की तकलीफ रहती है। और मुझे लगा कि सच में ये व्यक्ति कितनी बारीक चीज़ों को याद रखते हैं, और इतना ही नहीं, मतलब कि एक चिंता का भाव, ऊपरी तरह से कोई व्यक्ति पूछता है ऐसा नहीं, एक बिल्कुल जैसे कंसर्न जताते हुए उन्होंने वो बात कही। और कुछ बैठक व्यवस्था ऐसी थी कि प्रधानमंत्री जी की बिल्कुल साथ वाली सीट मेरी थी, तो जो भी थोड़ा बड़ा संवाद उस समय हुआ होगा और भाषण दिया तो भाषण को उन्होंने अप्रिशिएट किया। करीब 1.5 घंटे तक वो कार्यक्रम में रहे, धुआंधार भाषण उनका बाद में हुआ, उनके भाषणों के संपादन का विषय आया। तो अचानक एक दिन पब्लिकेशन डिवीजन से मुझे फ़ोन आया कि प्रधानमंत्री जी के भाषणों को संपादित करना है, तो हम कुछ लोगों का पैनल उनके पास भेज रहे हैं नामों का। तो उन्होंने जो भी कुछ 10-12-15 लोगों की पैनल भेजी, उसमें मेरा नाम भी गया। अचानक फिर एक दिन जो डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर साधना राउत, उनका फ़ोन आया कि जोशी जी, हमें आश्चर्य है कि आपका नाम चुना गया है, कि आप और कंचन गुप्ता जी उन भाषणों का संपादन करेंगे। कंचन गुप्ता जी का मेरे पास फ़ोन आया कि हमको चलना है प्रधानमंत्री से मिलने। हम लोग लोकसभा में गए, लोकसभा में ही बुलाया था, उन्होंने समय दिया, थोड़ी देर प्रतीक्षा के बाद हमें उनके कक्ष में बुलाया गया और सत्र चालू था। मुझे आश्चर्य हुआ कि उनकी टेबल पर एक भी कागज़ नहीं और वो ऐसे बैठे थे जैसे वो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हो। तो एक तो आदमी, मतलब देखिए, इतना बड़ा व्यक्ति है, प्रधानमंत्री है, लोकसभा कार्यालय में बैठे हैं, हो सकता है उनके पास कागज़ों का ढेर हो, काम हो, तो काम में व्यस्त भी रह सकते हैं और हम तो बहुत ही सामान्य लोग हैं, लेकिन देखिए आप सामने वाले को कैसा इम्पॉर्टेंट फील करा सकते हैं, जैसे बिल्कुल बैठे हैं, आइए आइए क्या। और उन्होंने फिर हम दोनों की पीठ थपथपाई और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा जीवन का सर्टिफिकेट था कि बोले तुम लोगों ने तो बहुत ज़बरदस्त काम किया है करके पीठ थपथपाई और बहुत ज़्यादा मेहनत की। कितनी मेहनत की, कितने घंटे बैठते थे, पीठ दुख गई होगी, मतलब उनको भी अंदाज था कि ये काम बहुत कठिन है, बहुत ही कठिन काम है जो इन लोगों ने किया है। और खुले मन से उस पूरे के पूरे काम की प्रशंसा की। मोदी जी परफेक्शनिस्ट की भी पराकाष्ठा के परफेक्शनिस्ट हैं।